डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हारमोनी बाय डॉक्टर दूरदर्शी सिंह पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किसी भी सॉन्ग में फील कैसे डाला जाए। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने बात की थी आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया या मेल पे कोई क्वेरी आ गई, तो ये संभव नहीं होता मेरे लिए कि मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या क्वेरी का जवाब आपको लिख के दे सकूं। तो बिल्कुल इसी तरह की ये एक क्वेरी थी कि किसी भी सॉन्ग में हम फील कैसे डाल सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए इस क्वेरी का भी जो रिप्लाई था, आंसर करना था, वो पॉसिबल नहीं था लिख के देना। उसी वजह से आज का वीडियो बना रहा हूं मैं, कुछ एक आपको छोटी छोटी डेमोन्स्ट्रेशंस भी दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि किसी भी सॉन्ग में फील कैसे डाला जाए, क्योंकि जितना किसी सॉन्ग के लिए उसके नोट्स जरूरी हैं, बिल्कुल उतना ही उस सॉन्ग का फील मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशंस हैं। हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास रीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, और हरेक इंस्ट्रूमेंट का एक अपना हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस हैं और एडवांटेजेस हैं। तो हमें जो हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, हमें ये देखना है कि उस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या हैं, और इन दोनों चीजों को एक्सप्लॉयट करके हम कैसे अपने रेंडिशन में फील जो है वो पैदा कर सकते हैं, फील डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा होता है, कोई सॉन्ग को गा रहा होता है, तो वो कैसे फील डालता है उसमें। तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स आप देखें तो वाइब्रेटो है, मॉड्यूलेशन है वॉइस की, वॉइस का जो वॉल्यूम है उसको कम या ज्यादा करना है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूज करके कोई सिंगर फील डाल सकता है किसी भी सॉन्ग में। तो उसी प्रकार से हम अपने इंस्ट्रूमेंट में कई तरह की चीजें ऐड करके उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम रेंडिशन कर रहे हैं उसमें हम फील डाल सकते हैं। अब फील से एक चीज बहुत जरूरी है कि जो सॉन्ग का ओरिजिनल फील है वो आपने मेंटेन करना है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा अलग अलग मूड्स या अलग अलग फील्स में नहीं जाऊंगा। आप ये मान लीजिए कि जितने भी सॉन्ग्स हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक कैटेगरी है जिसका जो सैड मूड है, आपने सैड टाइप का फील डालना है, एक हैप्पी मूड के सॉन्ग्स हैं। तो अभी मैं सिर्फ बहुत ही ब्रॉडर और जनरल सी ये दो सॉन्ग्स की जो कैटेगरी है बोलूंगा। और एक चीज जो हमारा हारमोनिका है, क्योंकि हम अपनी सांस से इसको कंट्रोल करते हैं हारमोनिका को, तो इसका जो मेजर एडवांटेज है हमारे पास वो ये है कि हम अपनी सांस को कंट्रोल करके तरह तरह का फील जो है हारमोनिका में डाल सकते हैं। तो वो भी मैं चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हारमोनिका के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, वॉल्यूम उसको चेंज करना है तो अपना ब्रेथ कंट्रोल करके कैसे हम फील डाल सकते हैं। तो पहले कुछ एक जनरल सी बातें। तो फील डालने के लिए जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज है वो तो खैर यही है कि आपको गाने का जो मूड है वो पता होना चाहिए कि कैसा मूड है सॉन्ग का। मैंने जो दो कैटेगरीज की अभी बात की है, हैप्पी एंड सैड, अदरवाइज देयर माइट बी एन नंबर ऑफ मूड्स। तो अभी मैं इन दो का रेफरेंस लेके चल रहा हूं। तो जब आपको पता चल गया कि हैप्पी एंड सैड इनमें से कौन से मूड का सॉन्ग आपने प्ले करना है, तो एक चीज जनरली आपने देखी होगी कि जो सैड मूड के सॉन्ग्स होते हैं उनका जो नोट्स हैं या ऑक्टेव हैं वो लोअर ऑक्टेव पे होता है, और जो हैप्पी मूड्स के सॉन्ग्स हैं वो हायर नोट्स या हायर ऑक्टेव पे बजाए जाते हैं। ऑल्दो आई डोंट से दैट दिस इज ए थंब रूल नहीं है, एक्सेप्शंस माइट बी देयर, बट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दिस थिंग हैपन्स। तो जो सैड मूड के सॉन्ग्स हैं उनको हम लोअर नोट्स पे प्रेफर करते हैं बजाना, या बजाना चाहिए उसका मूड मेंटेन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किशोर कुमार जी के मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो हैप्पी मूड के हैं, चुलबुले से सॉन्ग्स हैं, बट जो कुछ एक सॉन्ग्स उन्होंने सैड मूड के गाए हैं, जैसे जिंदगी का सफर,
कब तक अंधेरे रहेंगे, तो इस टाइप के कुछ एक सॉन्ग्स हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो सभी सॉन्ग्स जो हैं वो लोअर ऑक्टेव के हैं। तो इसी वजह से मैंने भी ये जो दो तीन सॉन्ग्स बजाए हैं, जाने कहां गए वो दिन या जिंदगी का सफर, तो इन सॉन्ग्स को बजाने के लिए मैंने ए स्केल का हारमोनिका यूज किया है। तो वो सी स्केल से 1.5 सेमीटोन डाउन होता है, तो मेरे हिसाब से हम लोअर नोट्स पे उसके अंदर फील डाल सकते हैं। एक एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहां पे, मैं बार बार ये अपने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज कह भी चुका हूं कि कभी भी आप इस चीज को, इस चीज के पीछे मत भागिए कि उस सॉन्ग का ओरिजिनल स्केल क्या है, क्योंकि ओरिजिनल स्केल लता मंगेशकर जी का बहुत हाई होगा, जगजीत सिंह जी का बहुत लो होगा, रफी साहब का लो होगा, किशोरदा का इंटरमीडिएट होगा। तो अगर हम एक ही हारमोनिका के ऊपर वो ओरिजिनल स्केल के पीछे भागने लग जाएं, तो हो सकता है कि लता जी वाले जो सॉन्ग्स हैं फिर वो सुनने में अच्छे ना लगे ओरिजिनल स्केल पे। तो वही सॉन्ग अगर हम थोड़ा डाउन करके उसको बजा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन बोल रहा हूं मैं, दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ अवर इंस्ट्रूमेंट, कि इस पे हारमोनिका के ऊपर आप अगर बहुत हाई स्केल वाले सॉन्ग बजा रहे हैं तो वो सुनने में अच्छे नहीं लग सकते। तो ओरिजिनल स्केल को आप इतना ज्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस मत दीजिए। आप ये देखिए कि जो सॉन्ग का मूड है वो कहां पे आप मेंटेन कर पा रहे हैं। तो पहली बात मैंने की ऑक्टेव सिलेक्शन की, कि जो लोअर ऑक्टेव है या लोअर नोट्स हैं उस पे हम सैड मूड के सॉन्ग्स जनरली बजाते हैं, और हायर ऑक्टेव के ऊपर जो हैप्पी मूड के सॉन्ग्स हैं वो बजेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ नोट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, स्टैकेटो नोट्स, लिगेटो नोट्स। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि जो हमारे सैड मूड के सॉन्ग्स हैं लोअर ऑक्टेव पे, लोअर नोट्स पे बजाते हैं, और उनको हम मतलब कभी भी स्टैकेटो नोट्स वहां पे नहीं यूज करते। जो सैड मूड्स के सॉन्ग्स हैं उन पे हम लिगेटो नोट्स जनरली यूज करते हैं, थोड़ी बहुत मींड होती है, क्योंकि जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक लिमिटेशन है कि हम मींड का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो वो इफेक्टिव नहीं होगा इतना जितना कि सितार पे या वायलिन पे या हवाइन गिटार पे हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन है, उसको समझते हुए हमने देखना है। तो सैड मूड के जो सॉन्ग्स हैं उसमें जो नोट्स हैं ज्यादातर वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, उनको हमने लंबा खींचना है। बट जो हैप्पी मूड्स के सॉन्ग्स हैं उसमें बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत लिगेटो नोट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो चुलबुले सॉन्ग्स हैं उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, एग्जांपल। तो एक सॉन्ग मैंने बजाया भी है, मेरा फेवरेट है, यही वो जगह है। तो हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग है, बट क्योंकि मैंने दो कैटेगरीज की बात की है तो इसको मैं सैड सॉन्ग्स की कैटेगरी में रखता हूं। और इसमें आप देखिए कि जो नोट्स हैं उनको हम प्रोलॉन्ग करेंगे और हम इसको प्रेफर करेंगे लोअर नोट्स पे बजाना। तो नोट को हम खींच रहे हैं, उसमें वो मूड थोड़ा सा फील जो है वो मेंटेन होगा। अभी दूसरा सॉन्ग जो है वो चुलबुला सा हैप्पी मूड का, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, उसमें आप देखिए मैं थोड़ा बहुत लिगेटो नोट्स जो है, स्टैकेटो नोट्स जो है वो इस्तेमाल करूंगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा सुनने में लगेगा स्टैकेटो नोट्स की वजह से कि जो सॉन्ग है वो हैप्पी मूड का है, चुलबुला है, बीट वाला सॉन्ग है। तो ये तो नोट्स और ऑक्टेव की बात होगी, टाइप्स ऑफ नोट्स की बात होगी। अब हम आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट की मैंने कुछ लिमिटेशंस आपको बताई, जैसे मींड हम नहीं ले सकते, आवाज जो है ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे यहां पे आके श्रिल हो जाएगी, कानों को नहीं अच्छी लगेगी। बट उसके साथ साथ एडवांटेजेस जो हैं उसको हमने एक्सप्लॉइट करना है। एडवांटेज क्या है कि हम इसका जो वॉल्यूम है, जो मॉड्यूलेशन है, वो कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर ब्रेथ। जो हम अपना ब्रेथ कंट्रोल करेंगे तो उससे हम ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक आपने ध्यान रखना है कि अब आप सोचिए कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, तो रोबोटिक्स मेरा फील्ड है, तो कोई रोबोट को हमने प्रोग्राम कर दिया, उसको हमने थमा दिया हारमोनिका, तो उसको हमने प्रोग्रामिंग कर दी
कि भैया ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है इस सॉन्ग के लिए, सा गा रे पा जो भी सीक्वेंस है, तो वो सिंपली उसको बजाता रहेगा। तो हम लोगों ने रॉबर्ट नहीं बनना, हमने उसके अंदर फील भी डालना है कि अभी हम सॉन्ग का कौन सा पार्ट, कौन सी लाइन, कौन सी वर्डिंग बजा रहे हैं, उस हिसाब से हमारा जो फील है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। तो इसके अंदर नंबर वन, जो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो वॉल्यूम है वो ब्रेथ के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है हर एक नोट के ऊपर, मतलब इसका जो वॉल्यूम है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक आपने ग्रेजुअली लेके जाना है, उसके बाद उसको फिर डाउन करना है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, जो रेजरवायर है, वहां पे आपने सांस को, ब्रेथ को स्टोर करके रखना है और उसको आपने उस हिसाब से खींचना है। तो इन इफ यू यूज दिस टेक्निक यू विल नेवर गेट आउट ऑफ ब्रेथ, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो वॉइस का जो वॉल्यूम लेवल है उसको ज्यादा या कम करना है किसी भी सॉन्ग में, वो फील डाल सकता है सॉन्ग के अंदर, बजाय इसके कि आप एक ही वॉल्यूम पे उसको बजाते रहें। दूसरी चीज, आपने सिंगर्स को देखा होगा, दे यूज सम मॉड्यूलेशन, तो उसमें वो ट्रेमोलो या वाइब्रेटो है वो यूज करते हैं, तो वो चीज भी हमने यूज करनी है जहां पे कोई भी नोट जो है वो प्रोलोंग कर रहा है, कुछ देर के लिए स्टे कर रहा है। तो जैसे आगे भी जाने ना तू, तो इस प्रकार से आप उसके अंदर थोड़ी सी मॉड्यूलेशन डाल के उस सॉन्ग में फील ला सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस नोट के ऊपर मैंने एक तो वॉल्यूम जो था उसका थोड़ा इंक्रीज किया और दूसरा मैंने सडनली जो हैंड वाइब्रेटो या ट्रेमोलो था उसको यूज करना स्टार्ट किया। एक बार दोबारा से जो आगे भी जो प्रोलॉन्ग कर रहा है नोट उसको आप ध्यान से सुनिए। तो एक तो मैं वाइब्रेटो कर रहा हूं, मॉड्यूलेशन दे रहा हूं, दूसरा उसका वॉल्यूम भी मैं अप डाउन कर रहा हूं। तो ये कुछ एक चीजें आपको जरूर सीखनी पड़ेंगी। और लास्ट में मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, मैं बहुत बार इस टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर भी चुका हूं, शेयर कर चुका हूं आपके साथ, दैट इज टच नोट्स और ग्रेस नोट्स। सो ग्रेस नोट्स दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू पुट फील इन एनी सॉन्ग, बट उसमें आपको ये देखना है कि किस सॉन्ग में किस लेवल तक ग्रेस नोट्स जो हैं वो यूज होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा मुर्कियां ले रहे हैं, स्लाइडर बार बार यूज कर रहे हैं, देन यू माइट बी स्पॉइलिंग द मूड ऑफ द सॉन्ग। और कुछ एक वेस्टर्न मूड्स के सॉन्ग्स जो हैं उसमें कभी भी आपने टच नोट्स नहीं लेने, जैसे अभी इसी सॉन्ग की एग्जांपल लें हम, आगे भी जाने ना तू, इसमें कोई मुर्की नहीं होगी क्योंकि ये वेस्टर्न जनरे का एक सॉन्ग है, तो इसमें कोई मुर्की नहीं लेनी आपने, सिर्फ मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, वाइब्रेटो, तो ये टेक्निक्स लगानी है। अगर कोई क्लासिकल सॉन्ग है उसमें आप कुछ हद तक मुर्कियां जो हैं वो यूज कर सकते हैं। मुर्की अगेन आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल, तो वो स्लाइडर से भी आप ले सकते हैं या आप नॉर्मली जो टच नोट्स हैं सिंपली, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस सॉन्ग में फील को लाने के लिए मुर्की चाहिए और किस सॉन्ग में मुर्की लाने से उस सॉन्ग का ओरिजिनल फील चला जा सकता है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक चीजें थी विद रेफरेंस टू अवर इंस्ट्रूमेंट। मैंने हारमोनिका के लिहाज से सभी बातें की है। कोई सॉन्ग हो सकता है कि हारमोनिका के ऊपर लोअर और मिडिल ऑक्टेव में अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो हायर ऑक्टेव पे गाया गया है, तो वो एक हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं उनकी एडवांटेज को एक्सप्लॉयट करते हुए हम लोगों ने कोशिश करनी है कि सॉन्ग का जो फील है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे। और मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये अपनी अपनी अलग अलग राय या धारणा भी हो सकती है सभी की, मेरे लिए जो नोट्स हैं किसी भी सॉन्ग के जितने इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल उतना ही या उससे
कहूँ कि थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस सॉन्ग का मूड या फील है, क्योंकि अगर आप करेक्ट नोट्स लगा रहे हैं, फील मेंटेन नहीं कर रहे, तो सुनने वाले को मज़ा नहीं आएगा। बट अगर एक दो नोट्स आपके इधर उधर हो गए विद इन सर्टेन लिमिटेशंस और आपने फील बरकरार रखा उस सॉन्ग का, देन एवरीबॉडी इज गोइंग टू एंजॉय दैट सॉन्ग। फ्रेंड्स, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टूडे। तो आशा करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आई एम सॉरी अभी मैं आपको लिख के इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं वीडियो बना के आप सभी लोगों का जो भी क्वेरी थी उसको आंसर कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगी, खास तौर पे जिन्होंने अभी नया नया हारमोनिका बजाना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, डोंट बी जस्ट रॉबोट्स। तो गाने के अंदर फील डालना है, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो फील कर सकते हैं किसी चीज़ को, रॉबोट जो है वो फील नहीं कर सकता। रॉबोट जो है वो नोट्स पूरे कर सकता है, एक्यूरेटली बजा सकता है नोट्स को, बट फील जो लाना है वो ह्यूमन बींग्स का काम है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही तो आज के वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इसी तरह की आपकी बहुत सारी क्वेरीज अभी पाइपलाइन में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके धीरे धीरे आपकी सभी क्वेरीज का आंसर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो वील मीट वेरी सून। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय फॉर नाउ।